दोस्तों, अगर आपने IRCTC के एप्लीकेशन से ट्रेन की टिकट्स को बुक किया है और आपके बैंक अकाउंट से मनी जो है वो डिडक्ट हो गई है, लेकिन ट्रेन की टिकट जो है वो अब तक बुक नहीं हुई है, तो आज इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ भी हो गई है, इसका रिफंड मिलेगा या नहीं वो, और कैसे मिलेगा बेसिकली, वो भी आज इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं। और फ्यूचर में आपके साथ कभी भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो उसके भी मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, मेरे साथ क्या हुआ, कल के दिन रात में मैंने 2 ट्रेन की टिकट्स को बुक किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसका टोटल अमाउंट बना था 281.8 रुपीज़, जो कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस स्क्रीनशॉट पर, मैंने पे कर दिया था IRCTC को, और ये देखिए मेरे बैंक अकाउंट से भी उसी डेट को डिडक्ट हो गया था 281.80 रुपीज़, और मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स IRCTC, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि मैंने अपनी तरफ से पे कर दिया था। अब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन अमाउंट 281.8 रुपीज़ दिखा रहा है, लेकिन रिफंड अमाउंट यहाँ पर 0.0 दिखा रहा है, ठीक है, और पेमेंट स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग फ्रॉम बैंक एंड और फेलियर रीज़न नो रिस्पॉन्स फ्रॉम बैंक, ठीक है। और अगर आप इसी स्क्रीनशॉट के नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस योर टिकट हैज़ नॉट बीन बुक्ड, द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट कार्ड वॉलेट एटसेट्रा विल बी रिफंडेड बैक ऑटोमेटिकली इन 3 to 4 days, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ, अब मैंने, मुझे थोड़ी हुई टेंशन, क्योंकि यार मैं, मुझे अपने मतलब ट्रेन की टिकट बुक करना था बेसिकली, तो मैंने इन्हें ईमेल भी कर दिया कि मुझे जो है वो अमाउंट अब तक रिसीव नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं बेसिकली इसके लिए। तो इन्होंने जो रिप्लाई किया वहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली ये ट्रांजेक्शन ID है, प्लीज़ नोट दैट वो, ये जो ट्रांजेक्शन ID वॉज अ सेटलमेंट फेल्ड ट्रांजेक्शन फॉर विच नो अमाउंट वॉज डेबिटेड टुवर्ड्स IRCTC, दैट इज़ वी डिड नॉट रिसीव एनी पेमेंट ऑथराइजेशन फ्रॉम योर बैंकर्स टू बुक द टिकट, रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक। सो गाइज, प्रॉब्लम क्या हुई है कि मतलब मैंने अपनी तरफ से मनी जो है वो सेंड कर दी, यानी मेरे बैंक ने मान लो मनी को सेंड कर दिया, बट जो IRCTC से उन्हें रिसीव करने में डीले हो गया या मेरे बैंक के तरफ से भेजने में डीले हो गया, क्योंकि बैंक के तरफ से तो नहीं हुआ गाइस, क्योंकि मैंने जो अपनी मनी वो सेंड कर दी थी। अब इसमें गाइस बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं तो उन पर हम नहीं जाएंगे, बट चौड़ा चौड़ा अगर आपको बता दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 रीज़न बताए हैं IRCTC help.in पे मैंने सर्च किया था बेसिकली, तो ये आर्टिकल मुझे मिला। तो पहला रीज़न क्या है, पेमेंट सेटल्ड बट नो नॉट टिकट बुक्ड, यानी पेमेंट उनके पास रिसीव हो गई है बट वो टिकट बुक नहीं कर पाए। हाँ, यहाँ पर उसका कॉज भी दिया हुआ है, और एक्शन यानी कि जो भी अमाउंट है वो दूसरे दिन नेक्स्ट डे आपके बैंक तक पहुँचा देंगे, ठीक है। एंड सेकेंड है सेटलमेंट फील्ड एंड टिकट नॉट बुक्ड, यानी कि उनके पास मनी रिसीव भी नहीं हुई है और टिकट भी बुक नहीं हुई, मनी रिसीव नहीं हुई तो टिकट कैसे बुक होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और इसका भी रीज़न है सिस्टम और नेटवर्क फेलियर, अमाउंट इज़ नॉट क्रेडिटेड टू IRCTC अकाउंट, ठीक है, अमाउंट इज़ विथ बैंक, बैंक विल बी रिफंड द मनी आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, ठीक है। यानी जैसे ही अगर गाइस उनकी आपका जो भी अमाउंट है वो उन तक अगर पहुँच जाता है तो वो आपका जो रिफंड है वो रिलीज कर देंगे, ठीक है, और पूरा अमाउंट रिलीज करेंगे, क्योंकि आपने ट्रेन की टिकट तो बुक हुई नहीं आपकी, तो पूरा जितना भी आपने पे किया वो पूरा आपको भेज देंगे। सो, यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी अगर मैं अपने स्टेटस पर जाऊँ माई ट्रांजेक्शन पर और फेल्ड ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर लिख कर आ गया रिफंड अमाउंट 281.8 रुपीज़, यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि रिफंड आ जाएगा, ठीक है, 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगा। और पेमेंट स्टेटस लेट कंफर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन डेट ये दी गई है, और फेलियर रीज़न नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द बैंक, ठीक है। तो यार कुछ इस तरीके से नेटवर्क एरर आ जाते हैं, उसकी वजह से होता है, लेकिन गाइस मैं आपको एक सिंपल से कुछ 1-2 सॉल्यूशंस बताता हूँ, जो कि अगर आप फॉलो करते हो तो इस टाइप के आपको एरर देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहला तो ये कि अगर आप अपने जैसे रीसेंट में रखे हो और अपने जैसे ऐसा करते हो, ठीक है, रीसेंट से जाते हो पे करने के लिए, बेसिकली आप दूसरे ऐप के अंदर तो जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो क्या करो, जो भी बाकी की जितनी भी बची एप्लीकेशंस रहती है, यहाँ पर देखो मेरा भी फ़ोन हैंग मार रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से जो भी एप्लीकेशंस रहती है उन्हें हटा दिया करो। कई बार क्या होता है, आपने जैसे ही रीसेंट पे गए और
पूरी ऐप ही बैक हो जाती है पूरी तरह से, तो आपको इस टाइप के एरर देखने को मिल सकते हैं। एक दो बार अपनी आईडी को लॉगिन करके देख लो, अगर किसी भी तरीके का एरर आपको देखने को मिल रहा है तो आपको ट्रेन की टिकट बुक नहीं करना है, ठीक है। और ट्राई करो कि ट्रेन की टिकट्स को दिन में ही बुक किया करो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, इतने टाइम पर अगर आप बुक करते हो तो जनरली आपको इस टाइप के एरर देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर गाइस मुझे रिफंड जब भी रिसीव होता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन पर बता दूंगा, पिन कर दूंगा बेसिकली उस कमेंट को। और अगर कुछ भी और भी दिक्कत होती है तो और वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके साथ कोई भी अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस है या फिर अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो गया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।